देश, हम आपकी बातें सुनते आए हैं, जो आपने सुबह से बोला है, बहुत बड़ा आरोप आपने जो WFI के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लगाया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास सिक्योरिटी कवर है, वो दूर रहते हैं, अब जाके ये बातें क्यों उठाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगी, क्योंकि बहुत बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, पहली बात तो सिर्फ मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, हम जितने भी, हम आपको देख लीजिए, आप कितनी रेसलर्स बैठे हैं, वुमेन रेसलर्स हैं, सभी ने इस चीज़ पे एग्री किया है, आप इनसे पूछ लीजिए, ये सब इस चीज़ पे एग्री करते हैं। और मैंने आपको बोला कि जिनके साथ में ये सब हुआ है वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं ना कि सामने लेके आओ, वो सामने भी आएंगे, टाइम आने दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जब बात जाएगी, या देश के प्रधानमंत्री जी अगर हमसे पूछेंगे, देश के गृहमंत्री जी अगर हमसे बात करेंगे, तो हम डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन हमारी भी एक इज्जत है, आपको पता है कि वुमेन्स होने के कारण हम इतनी सब बातें ओपन में नहीं बोल सकते हैं, हमारी भी एक लिमिट है। लेकिन आपको जो भी बताया हमने सब सच बताया, हमारी एक भी बात में कहीं भी झूठ नहीं है। यौन शोषण एक बहुत बड़ा आरोप है, उसके अलावा आपने बोला अब्यूज की बात की, हरासमेंट की बात की, ये सारी चीजें कब से हो रही हैं, कब से चल रहा है, कब से ऐसी कठिनाइयां हमारे देश में एथलीट्स को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली अगर हम आपके खेल की बात करें। देखिए, जो हमसे पहले सीनियर्स थे उनके साथ में काफी हुआ है, क्योंकि जब मैं कैडेट में थी तब मैंने सुना था कि ये सब हो रहा है। जब मैं नई नई सीनियर में आई हूँ, जो मेरी बहनें भी स्पोर्ट्स में रही हैं, उनके साथ भी, उन्होंने भी सब देखा है, उनसे भी हम सुनते आए हैं। उसके बाद जैसे ही मैं सीनियर में आने लगी, मेरे कुछ मेडल आने लगे, तो तब मेरे साथ में ये सब हुआ है। इतना मेंटली हरास मतलब किया है, 2017 से तो मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं कि इसको छोड़ना ही नहीं है। और अभी जूनियर बच्चों के साथ में, अभी हर चीज का हरासमेंट कैसे मतलब सहन करे एथलीट। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है ना, बहुत जरूरी था विनेश कि आप आके बाहर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो अभी नौजवान आ रहे हैं, जो खेलकूद में भाग लेना शुरू कर रहे हैं, वो अगर ये सुनेंगे और वो अगर यही फिर से देखेंगे तो वो बहुत गलत होगा। पर आप क्या समझ रही हैं कि न्याय होगा, क्योंकि आपने बताया कि आपको कैसे मृत्यु के थ्रेट्स मिले जब आपने ये रेस किया इशू प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, अगर हम में आज वो बोल रहे हैं कि इनमें ऐसे इतने दिनों तक हिम्मत कैसे नहीं आई है, पहली बात तो हिम्मत सब में होती है, लेकिन वो एक इतने पावरफुल इंसान के सामने आपको आना, आपको भी पता है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, आप गांव में चलिए, मेरा घर देखिए, किस घर से हम आए हैं, किस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, एक गरीब फैमिली से हम आए हैं, इस लेवल पे पहुंचे हैं, उसके बाद हमारे साथ हर दिन हमारा आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है, उनके सामने हर छोटी से छोटी चीज के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फेडरेशन में जाना पड़ता है। अब हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए, नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए तैयारियां करें कि उनके सामने गिड़गिड़ाएं। नहीं, और जो आप हमें बात बता रही है कि ये बार बार चलता आया है, आपने ये उठाई भी बात, क्या बताया आपने प्रेसिडेंट को पहले, बृजभूषण को, कि ये चल रहा है, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, ये कठिनाइयां हैं। देखिए, अगर मैं उनको बता देती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं रेसलिंग नहीं करी होती, शायद मैं भगवान के पास जा चुकी होती, या मेरा रेसलिंग का करियर खत्म हो चुका होता। कोई किसी के साथ भी गुनहगार, कोई भी जिसने गुनाह किया है, कोई भी जो पीड़ित है उससे, कोई सामने उसके जाके कहता कि आपने ये कर दिया और वो मान लेगा वो उसने कर दिया, सभी उसको डिनाई ही करते हैं, तो डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। पर वही बात है ना कि आप तो कह रही हैं कि ये सच है, बृजभूषण जी एकदम से बाहर आए, मीडिया से बात की और कहते कि इसमें कोई सच नहीं है, आज जाके 10 साल बाद क्यों ये बातें उठाई जा रही हैं, और ये जो नए रूल्स इंक्लूड किए हैं, ये उसको लेके जो विरोध है ये इसलिए सामने आ रहे हैं। रूल्स तो इनके हर दिन चेंज होते हैं जी, हर दूसरे दिन इनके रूल बनते हैं, इनके घर के कमरे में रूल बनते हैं, अपने हिसाब से रूल बनाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी जो ये रूल बना रहे हैं, जो फेडरेशन बना रही है, क्या उसमें कोई भी ओलंपिक एथलीट इन्वॉल्व है? क्या जो करंट में एथलीट चल रहे होते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है कि ये आपके भले के लिए है या आपके बुरे के लिए है? जी, और जहां तक बात की जाए कि जो आपने आज सबके सामने निकल के बात की, आप में क्या ऐसा वो थॉट आया, क्या सोचा आपने कि बहुत हो गया, आज मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे देश के सामने ये बात रखनी पड़ेगी? आप रोई, सबने देखा, वो पता चल रहा है कि बहुत बड़ी एक कहानी है इसके पीछे। देखिए, रोई तो जब आप ओलंपिक्स में, एक एथलीट के लिए ओलंपिक्स में जब हार जाता है तब वो कितना उदास होता है। जब मैं ओलंपिक्स में थी तो ये दो लड़कियां मेरे साथ में थी, इन्होंने देखा था मेरी हालत क्या थी, इन दोनों ने मेरे को संभाला था। उसके बाद में जो मैं मेरे घर पे रो रही थी वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या क्या रोए हैं हम, क्या नहीं रोए हैं। और जब आपने सुना आज बृजभूषण जी को बोले कि नहीं, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज है ये गलत है, ये ऐसे ही लगाया जा रहा है, ये एक साजिश है आप लोग के पार्ट में, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि इतना बड़ा सच अगर अपने साइड से आप बाहर रख रही हैं, वो आसान बात नहीं है।
देखिए साजिश हम कोई हम यहाँ पे राजनीति थोड़ी करने आए हैं या मेरे को कोई प्रधानमंत्री बनना है देश का या गृहमंत्री बनना है। हम तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरा पेरिस का ओलंपिक्स मेरे सामने है, मेरा रेसलिंग का कैरियर अगर मैं छोड़ के इधर बैठी हूँ, ये बच्चे अपना भविष्य छोड़ के बैठे हैं, ये आने वाले ओलंपिक्स में जाने वाले बच्चे हैं, अगर वो छोड़ के इधर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना जी। आप भी कुछ बोलेंगी, साक्षी मलिक आपसे भी अगर बात करें और विनेश एक 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 जाने से पहले बात, इसके बाद आप क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं, किसके पास जाएंगी? हमने देखा कि पुनिया ने भी गृह मंत्री को प्रधानमंत्री को टैग किया, ट्वीट डाला, आप सबने ट्वीट डाला, तो इसके बाद क्या करेंगी आप? देखिए हमें उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारी बात को जरूर सुन रहे होंगे और वो हमारे पक्ष में है, उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, जब हम हार के भी आते हैं, जब मैं टोक्यो से भी हार के आई तब भी उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया था, वही आज मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं और वही एक हौसला में लेके आया है कि देश के प्रधानमंत्री हम खिलाड़ियों को इतना मान सम्मान अगर दे रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती, इसलिए हमें आज ये हिम्मत आई और इसलिए हम आज ये सामने आए हैं। और आपने कहा कि ये बातें इसलिए अभी तक सामने नहीं की क्योंकि सामने रखते तो आपको पक्का रोका जाता।